हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। आज हर रोज उपयोग में आने वाला छोटे छोटे वाक्यों को सीखते हैं। तो मैं समझ गया जो इंग्लिश में आई अंडरस्टूड बोलते हैं, इसको तेलुगु में नाकु अर्थमैंदी बोलते हैं। तो मैं समझ गया उसको तेलुगु में नाकु अर्थमैंदी, इधर मैं समझ गया या मैं समझ गई तो उसको भी नाकु अर्थमैंदी बोलते हैं। तो मैं समझ गया या मैं समझ गई नाकु अर्थमैंदी, इधर समझ इस वाक्य में समझ, इसको अर्थमु बोलते हैं तेलुगु में। समझ अर्थमु, समझ गया या समझ गई उसको अर्थमु अयिंदी। तो अर्थमु अयिंदी उसको जोड़ के बोल रहे हैं, छोटा करके बोल रहे हैं, अर्थमयिंदी। अर्थमु अयिंदी तो उसको अर्थमयिंदी करके जोड़ के बोल रहे हैं। तो समझ गया या समझ गई उसको अर्थमयिंदी बोलते हैं। तो मैं समझ गया, मैं समझ गई, आई अंडरस्टूड जो बोलते हैं, इसको तेलुगु में नाकु अर्थमैंदी बोलते हैं। तो इधर मैं इस वाक्य में तेलुगु में नाकु का प्रयोग हो रहा है, ऐसे मैं को नेनू बोलते हैं, मगर वाक्य के अनुसार कभी मैं को नाकु का भी प्रयोग होता है। तो इधर मैं नाकु, समझ गया या समझ गई अर्थमैंदी। तो मैं समझ गया या मैं समझ गई इसको तेलुगु में नाकु अर्थमैंदी बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे हम समझ गए, तो हमको इस वाक्य में माकू का प्रयोग होता है, ऐसे हमको मेमु अथवा मनमु बोलते हैं। तो इस वाक्य में हम समझ गए तो हमको माकू का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम समझ गए उसको माकू अर्थमैंदी बोलते हैं। तो इधर समझ गया, समझ गई या समझ गए, कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, तो इधर समझ गया, समझ गई या समझ गए तीनों के लिए इधर अर्थम अयिंदी बोलते हैं। तो मैं समझ गया या मैं समझ गई नाकु अर्थम अयिंदी, हम समझ गए इसको माकु अर्थम अयिंदी बोलते हैं। तो चले जाओ जो गुस्से में बोलते हैं गेट आउट, तो चले जाओ इसको तेलुगु में वेल्ली पो बोलते हैं, ऐसे जाओ उसको वेल्लू बोलते हैं। तो चले जाओ उसको वेल्ली पो बोलते हैं, जो गुस्से में बोलते हैं ना, तो चले जाओ उसको वेल्ली पो करके तेलुगु में बोलते हैं। तो उनकी मदद करो, उनकी मदद करो, तो मदद इसको तेलुगु में सहायम बोलते हैं। मदद सहायम, करो चेई, तो आप चेई भी बोल सकते हैं, चेयू भी बोल सकते हैं। तो मदद करो सहायम चेई, तो इधर मदद उसको सहायम बोलते हैं। तो मदद करो सहायम चेई, तो कुछ जगह में चेई बोलते हैं, कुछ जगह में चेयू बोलते हैं, तो आप चेई भी बोल सकते हैं, चेयू भी बोल सकते हैं। तो मदद करो सहायम चेई, तो उनकी मदद करो, तो इधर तेलुगु में वारिकी सहायम चेई अथवा वाल्लकी सहायम चेई बोलते हैं। तो इधर उनकी इसको वारिकी, जब किसी व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो उनको हम आदर से बोल रहे हैं तब वारिकी करके बोलते हैं। तो महिला या पुरुष उनको हम आदर से बोल रहे हैं तब उनकी, तो वारिकी बोलते हैं। तो उनकी मदद करो वारिकी सहायम चेई बोलते हैं। यदि हम बहुवचन में बोलना चाहेंगे, बहुत ज्यादा लोग हैं, तब उधर उनकी का प्रयोग करना है, तब बहुवचन में तेलुगु में वाल्लकी बोलते हैं। तो उनकी उसको वाल्लकी बोलते हैं। ये वारिकी कोई भी व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो उनसे हम आदर से बोल रहे हैं तब वारिकी बोलते हैं, उनकी को वारिकी बोलते हैं। बहुवचन में है मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं, तब उनकी इसको तेलुगु में वाल्लकी का प्रयोग होता है। तो उनकी मदद करो वारिकी सहायम चेई अथवा वाल्लकी सहायम चेई करके बोलते हैं। तो ये मुफ्त है, ये मुफ्त है, मुफ्त इसको तेलुगु में उचितम बोलते हैं, जो फ्री बोलते हैं, तो मुफ्त इसको तेलुगु में उचितम, ये मुफ्त है, इदि उचितम बोलते हैं। तो कोई चीज के बारे में बोल रहे हैं, ये मुफ्त है, इसको तेलुगु में इदि उचितम बोलते हैं। तो इधर ये इदि मुफ्त है, उचितम, ये मुफ्त है, इसको तेलुगु में इदि उचितम बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको तेलुगु में परवालेदु बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, परवालेदु, तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, जो इंग्लिश में बोलते हैं डोंट वरी, इसको तेलुगु में चिंतिंचकु बोलते हैं। चिंता मत करो, चिंतिंचकु, ये एकवचन में होता है। यदि आप बोलना चाहेंगे चिंता मत कीजिए, तो इसको चिंतिंच खंडी बोलते हैं। जो चिंतिंचकु, चिंता मत करो, एकवचन में बोल रहे हैं, तब चिंतिंचकु बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे चिंता मत कीजिए,
इसको चिंतिंच खंडी बोलते हैं। तो डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंतिंच को, वो या बोलना चाहेंगे चिंता मत कीजिए, इसको चिंतिंच खंडी बोलते हैं। तो अभी आ रहा हूँ या आ रही हूँ, अभी आ रहा हूँ या आ रही हूँ, इसको तेलुगु में इप्पुडु वस्तुन्नानु बोलते हैं। इधर अभी, इसको इप्पुडु का प्रयोग हो रहा है, तो आ रहा हूँ या आ रही हूँ, इसको वस्तुन्नानु बोलते हैं। तो इधर एकवचन पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, तो आ रहा हूँ या आ रही हूँ, उसको वस्तुन्नानु बोलते हैं। तो अभी आ रहा हूँ या अभी आ रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म हो गया। तब आ रहा हूँ या आ रही हूँ, इसको तेलुगु में वस्तुन्नानु बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है, आ रहा हूँ या आ रही हूँ, वस्तुन्नानु। तो अभी आ रहा हूँ या अभी आ रही हूँ, इसको इप्पुडु वस्तुन्नानु बोलते हैं। तो इधर अभी, इप्पुडु का प्रयोग हो रहा है, तो अभी आ रहा हूँ या अभी आ रही हूँ, इप्पुडु वस्तुन्नानु। तो ये एकवचन में हो गया। यदि बहुवचन में बोलना है, आदर से बोलना है, आप बोलेंगे अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, इसको इप्पुडु वस्तुन्नामु बोलते हैं। इधर नु का जगह में मु का प्रयोग होता है। जब आप आदर से बोल रहे हैं या बहुवचन में बोल रहे हैं, तो आ रहे हैं उसको वस्तुन्नामु बोलते हैं। तो अभी आ रहे हैं, इप्पुडु वस्तुन्नामु। तो वस्तुन्नानु एकवचन में प्रयोग होता है, वस्तुन्नामु ये बहुवचन में, नहीं तो आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। इधर नु का जगह में मु का प्रयोग करेंगे। तो अभी आ रहा हूँ या अभी आ रही हूँ, इप्पुडु वस्तुन्नानु, अभी आ रहे हैं, इसको इप्पुडु वस्तुन्नामु बोलते हैं। तो मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, इसको तेलुगु में नोरु मूसको बोलते हैं। तो मुंह को नोरु बोलते हैं, मुंह बंद करो, इसको नोरु मूसको। यदि आप बोलना चाहेंगे मुंह बंद कीजिए, तो नोरु मूसुकोंडी बोलते हैं। मुंह बंद कीजिए, नोरु मूसुकोंडी। तो मुंह बंद करो एकवचन में बोलना है, नोरु मूसको। इधर मुंह को नोरु बोलते हैं, तो बंद करो मूसको। तो मुंह बंद करो, नोरु मूसको, मुंह बंद कीजिए, उसको नोरु मूसुकोंडी बोलते हैं। तो इधर अंडी जोड़ देंगे, बोल देंगे मूसुकोंडी। तो मुंह बंद कीजिए, नोरु मूसुकोंडी बोलते हैं। तो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, इसको नेनु आनंदंगा उन्नानु बोलते हैं। मैं खुश हूँ, इसको तेलुगु में नेनु आनंदंगा उन्नानु, अथवा नेनु संतोषंगा उन्नानु भी आप बोल सकते हैं। आई एम हैप्पी जो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको तेलुगु में नेनु आनंदंगा उन्नानु। इधर मे को नेनु बोलते हैं, तो खुश हूँ, हूँ, इसको उन्नानु का प्रयोग होता है। तो एकवचन में बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, तब उन्नानु बोलते हैं। तो मैं खुश हूँ, नेनु आनंदंगा उन्नानु। तो यदि आप बोलना चाहेंगे हम खुश है, तो हम खुश है, हम को मेमू बोलते हैं। तो खुश है, आनंदंगा उन्नामु, इधर खुश है उन्नामु बोलते हैं। जब हम आदर से बोल रहे हैं या बहुवचन में बोल रहे हैं, तब उन्नामु का प्रयोग होता है। इधर नु का जगह में मुंह का प्रयोग होता है। तो मैं खुश हूँ, नेनु आनंदंगा उन्नानु, हम खुश है, इसको मेमू आनंदंगा उन्नामु बोलते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन जो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको तेलुगु में बागा चेसारू बोलते हैं। तो बहुत बढ़िया, वेल डन, इसको तेलुगु में बागा चेसारू। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, जैसे बोलेंगे अच्छा से किए, अच्छा से किए, अच्छा से, इसको बागा बोलते हैं। तो किए उसको चेसारू बोलते हैं। तो अच्छा से किए, हम आदर से बोल रहे हैं या बहुवचन में बोल रहे हैं, तो अच्छा से किए, इसको तेलुगु में बागा चेसारू बोलते हैं। तो अच्छा से किया, उसको चेसाऊ बोलते हैं। एकवचन में यदि बोलना है अच्छा से किया, उसको चेसाऊ बोलते हैं। तो इधर बहुत बढ़िया, वेल डन, इसको तेलुगु में बागा चेसारू, मतलब आप बहुवचन में बोल रहे हैं नहीं तो आदर से बोल रहे हैं, तब बागा चेसारू बोलते हैं। यदि एकवचन में बोलना है, एक ही व्यक्ति है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वेल डन, बहुत बढ़िया, उसको तेलुगु में बागा चेसाऊ बोलते हैं। इधर बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छा से किए, बहुत अच्छा से किए, बागा चेसारू, किए उसको चेसारू बोलते हैं। तो किया या की एकवचन में बोलना है, तो चेसाऊ बोलते हैं। जब एकवचन में बोलना है चेसाऊ बोलते हैं, वो बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे हैं, चेसारू बोलते हैं। तो इधर बहुत बढ़िया, वेल डन, इसको तेलुगु में बागा चेसारू अथवा बागा चेसाऊ बोलते हैं। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है,
तो इधर बहुत अच्छा से खिए उसको तेलुगु में बागा चेसारू, बहुत अच्छा से किया इसको बागा चेसाऊ बोलते हैं। तो इसको ले लो, इसको ले लो, इसको तेलुगु में इधि बोलते हैं। कोई चीज पास में है तो बोल रहे इसको ले लो, तो इसको इसको तेलुगु में इधि बोलते हैं। ले लो तीसको, ले लो तीसको बोलते हैं। तो इसको ले लो इधि तीसको बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे इसको ले लीजिए तो इसको ले लीजिए, उसको इधि तीसकोंडी बोलते हैं। इधर अंडी जोड़ देंगे, बोलेंगे तीसकोंडी। तो इसको ले लो इधि तीसको, इसको ले लीजिए इधि तीसकोंडी बोलते हैं। तो यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ इसको तेलुगु में इकड़ा बोलते हैं। यहाँ इकड़ा, रुको आगु, रुको आगु। तो यहाँ रुको इसको इकड़ा आगु बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे वहां रुको अक्कड़ा आगु बोलते हैं, तो वहां उसको अक्कड़ा बोलते हैं। तो यहाँ इकड़ा, वहां अक्कड़ा, वहां रुको अक्कड़ा आगु बोलते हैं। तो इधर यहाँ रुको इकड़ा आगु, यदि आप बोलना चाहेंगे यहाँ रुकिए तो बोलेंगे इकड़ा आगंडी बोलते हैं। तो यहाँ रुकिए, रुकिए इसको आगंडी बोलते हैं। तो यहाँ रुकिए इसको तेलुगु में इकड़ा आगंडी बोलते हैं। तो नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं इसको तेलुगु में लेदु, यप्पुडु लेदु बोलते हैं। नहीं उसको लेदु बोलते हैं, वही कभी नहीं यप्पुडु लेदु। तो इधर कभी यप्पुडु का प्रयोग हो रहा है, तो कब उसको यप्पुडु बोलते हैं, तो कभी तो इसको भी यप्पुडु बोलते हैं। तो इस वाक्य में नहीं कभी नहीं इसको तेलुगु में लेदु, यप्पुडु लेदु बोलते हैं। तो इधर कभी यप्पुडु का प्रयोग हो रहा है, तो नहीं कभी नहीं लेदु यप्पुडु लेदु बोलते हैं। तो आप सही हैं, आप सही हैं इसको तेलुगु में मीरु चप्पिंदी निजमु बोलते हैं। तो आप सही हैं इसको तेलुगु में मीरु चप्पिंदी निजमु। इधर आप सही हैं ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो इसी अर्थ का वाक्य जो तेलुगु में बोलते हैं तो मीरु चप्पिंदी निजमु बोलते हैं। जो हिंदी में बोलते हैं आप जो बोले सच है, आप जो बोले सच है, तो इसका यदि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बोलना है तब तेलुगु में मीरु चप्पिंदी निजमु बोलते हैं। तो आपको मीरु बोलते हैं, जो बोले है उसको चप्पिंदी बोलते हैं, तो बोलो उसको चप्पू बोलते हैं। बोलो चप्पू, जो बोले है उसको चप्पिंदी बोलते हैं। तो सच है इसको निजमु बोलते हैं, तो सच इसको तेलुगु में निजमु बोलते हैं। तो आप जो बोले है सच है इसको तेलुगु में मीरु चप्पिंदी निजमु बोलते हैं। तो इधर आप सही है यू आर राइट जो इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं तो आप जो बोले है सच है इसको तेलुगु में मीरु चप्पिंदी निजमु बोलते हैं। तो इधर आप सही है अथवा आप जो बोले है सच है इसको तेलुगु में मीरु चप्पिंदी निजमु बोलते हैं। तो मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो, वादा इसको तेलुगु में प्रमाणम बोलते हैं, जो प्रॉमिस इंग्लिश में बोलते हैं, तो वादा उसको प्रमाणम बोलते हैं। तो वादा करो प्रमाणम चेई बोलते हैं, आप इधर चेई भी बोल सकते हैं, चेयू भी बोल सकते हैं। तो वादा करो प्रमाणम चेई अथवा प्रमाणम चेयू। तो मुझसे वादा करो, इधर मुझसे तो नाकू का प्रयोग हो रहा है, तो मुझसे वादा करो नाकू प्रमाणम चेई बोलते हैं। तो मुझसे वादा करो इसको तेलुगु में नाकु प्रमाणम चेई। यदि आप बोलना चाहेंगे हमसे वादा करो तो हमसे, तो तेलुगु में माकू बोलते हैं, तो हमसे माकू। तो वादा करो प्रमाणम चेयु, तो हमसे वादा करो माकू प्रमाणम चेयु बोलते हैं। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, तो चाहिए उसको खावाली बोलते हैं। तो क्या चाहिए येमी खावाली, इधर क्या एमी का प्रयोग हो रहा है, तो आप क्या को एमी, एम टी, ए टी, एम भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर क्या को एमी बोल रहे हैं, तो क्या चाहिए एमी खावाली। तो और क्या चाहिए इसको इनका एमी खावाली बोलते हैं। तो इधर और इसको इनका का प्रयोग हो रहा है, तो और क्या चाहिए इनका एमी खावाली बोलते हैं। अपना चेहरा दोलो, अपना चेहरा दोलो, चेहरा इसको तेलुगु में मुखम बोलते हैं, चेहरा मुखम। धो लो उसको खड़को बोलते हैं, धो लो खड़को। तो चेहरा धो लो मुखम खड़को बोलते हैं।
तो अपना चेहरा धो लो, इधर नी मुखम कड़को बोलते हैं, इधर अपना नी का प्रयोग हो रहा है, तो अपना चेहरा धो लो इसको तेलुगु में नी मुखम कड़को बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे अपना चेहरा धो लीजिए, तो अपना चेहरा धो लीजिए, इधर अपना मी का प्रयोग हो रहा है। जब एक वचन में बोलते हैं तो अपना नी बोलते हैं, तो इधर आदर से बोल रहे हैं, तो अपना चेहरा धो लीजिए, तो इधर अपना मी का प्रयोग होता है, तो चेहरा मुखम धो लीजिए खड़क खोंडी बोलते हैं, धो लीजिए खड़क खोंडी, तो इधर धो लो खड़को बोलते हैं, वही धो लीजिए उसको खड़क खोंडी बोलते हैं, तो अपना चेहरा धो लीजिए इसको मी मुखम खड़क खोंडी बोलते हैं। अच्छा से लिखिए, अच्छा से लिखिए इसको तेलुगु में चक्कगा रायंडी बोलते हैं, तो लिखिए उसको रायंडी बोलते हैं, तो लिखो रायु बोलते हैं, लिखो रायु, वही लिखिए उसको रायंडी बोलते हैं, तो अच्छा से लिखिए इसको चक्कगा रायंडी बोलते हैं, अच्छा से इसको तेलुगु में चक्कगा बोलते हैं, अच्छा से चक्कगा लिखिए रायंडी, अच्छा से लिखिए इसको चक्कगा रायंडी बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे अच्छा से लिखो, तो चक्कगा रायु बोलते हैं, तो लिखो रायु बोलते हैं, लिखिए रायंडी, तो अच्छा से लिखो चक्कगा रायु, तो अच्छा से लिखिए उसको चक्कगा रायंडी बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे अच्छा से पढ़ो, तो पढ़ो इसको तेलुगु में चदुवु बोलते हैं, पढ़ो चदुवु, पढ़िए उसको चदुवंडी बोलते हैं, पढ़िए चदुवंडी, तो अच्छा से पढ़ो चक्कगा चदुवु, अच्छा से पढ़िए उसको चक्कगा चदुवंडी बोलते हैं। जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो जो इंग्लिश में बोलते हैं रीड लाउडली, तो लाउडली इसको तेलुगु में बिग्गरगा अथवा गट्टिगा बोलते हैं, लाउडली इसको बिग्गरगा अथवा गट्टिगा बोलते हैं, तो गट्टिगा ज्यादा प्रयोग में है, तो बिग्गरगा एक पढ़ने लिखने का शैली में प्रयोग करते हैं, तो अधिकतर ज्यादा बात करते समय गट्टिगा का प्रयोग होता है, तो जोर से गट्टिगा पढ़ो चदुवु, तो जोर से पढ़ो इसको तेलुगु में गट्टिगा चदुवु बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे जोर से पढ़िए, तो गट्टिगा चदुवंडी बोलते हैं, तो जोर से पढ़ो इसको तेलुगु में गट्टिगा चदु बोलते हैं, तो आप बिग्गरगा भी बोल सकते हैं मगर ज्यादा प्रयोग में गट्टिगा बोलते हैं, तो जोर से पढ़ो बिग्गरगा चदु अथवा गट्टिगा चदु बोल सकते हैं। तो हिलना मत, हिलना मत इसको तेलुगु में कदलकु बोलते हैं, हिलना मत कदलकु अथवा कदला वद्दु भी बोल सकते हैं, इधर कु का जगह में आप वद्दु का प्रयोग कर सकते हैं, तो हिलना मत कदलकु अथवा कदला वद्दु, तो कदला वद्दु आप बोलते समय कदलोद्दु भी बोल सकते हैं, तो कदला वद्दु उसको छोटा करके बोलते हैं, बोलते समय कदलोद्दु, कदला वद्दु भी आप बोल सकते हैं, कदलोद्दु भी बोल सकते हैं, तो बोलते समय तो छोटा करके बोलते हैं कदलोद्दु, तो हिलना मत कदलकु अथवा कदलोद्दु बोलते हैं। तो यदि आप बोलना चाहेंगे हिलिए मत, तो हिलिए मत इसको कदला खंडी बोलते हैं, कदला खंडी अथवा कदला वद्दंडी अथवा कदलोद्दंडी बोलते हैं, तो अंडी जोड़ देंगे तो बोल देंगे कदला खंडी अथवा कदला वद्दंडी अथवा कदलोद्दंडी बोलते हैं, तो हिलना मत कदलकु कदला वद्दु अथवा कदलोद्दु, हिलिए मत कदला खंडी अथवा कदला वद्दंडी अथवा कदलोद्दंडी बोलते हैं। तो हबीबी, तो हबीबी इसको तेलुगु में इप्पुडु कूड़ा बोलते हैं, इधर भी कूड़ा बोलते हैं, तो अभी भी इसको इप्पुडु कूड़ा बोलते हैं, वही तब भी इसको अप्पुडु कूड़ा बोलते हैं, इधर तब उसको अप्पुडु बोलते हैं, तब को अप्पुडु, वही भी कूड़ा, तो तब भी उसको अप्पुडु कूड़ा बोलते हैं, तो इधर कभी एप्पुडु बोलते हैं, वही अभी इसको इप्पुडु बोलते हैं, वही तब उसको अप्पुडु बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, तो कभी एप्पुडु अभी इप्पुडु, तो तब उसको अप्पुडु बोलते हैं, तो इधर अभी भी, तो भी इसको कूड़ा का प्रयोग होता है तेलुगु में, तो अभी भी इप्पुडु कूड़ा तब भी अप्पुडु कूड़ा बोलते हैं। तो धीरे बोलो, धीरे बोलो तो स्पीक सॉफ्टली जो इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको तेलुगु में नेम्मदिगा मात्लाडु अथवा मृदुवुगा मात्लाडु अथवा मेल्लगा मात्लाडु भी बोल सकते हैं, तो इधर धीरे
इसको नेम्मदिगा अथवा मृदुगा अथवा मेल्लगा भी बोलते हैं, मेल्लगा। तो धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, इसको तेलुगु में नेम्मदिगा माटलाडू, तो बोलो उसको माटलाडू बोलते हैं, बोलो माटलाडू, तो धीरे बोलो, नेम्मदिगा माटलाडू अथवा मृदुगा माटलाडू अथवा मेल्लगा माटलाडू भी बोल सकते हैं। तो धीरे बोलो इसको तेलुगु में नेम्मदिगा माटलाडू, मृदुगा माटलाडू अथवा मेल्लगा माटलाडू बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे धीरे बोलिए, तो धीरे बोलिए इसको नेम्मदिगा माटलाडंडी, तो इधर अंडी जोड़ देंगे, बोलेंगे माटलाडंडी, तो बोलिए इसको माटलाडंडी बोलते हैं। तो धीरे बोलिए, नेम्मदिगा माटलाडंडी अथवा मृदुगा माटलाडंडी अथवा मेल्लगा माटलाडंडी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।